आकाशवाणी गुड इवनिंग आप सभी मैं नमस्ते। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और मैं माता रानी से प्रे करूँगी कि आप लोग हमेशा अच्छे रहो। तो अभी आप यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं और अब होगा यहाँ पे पूजा हवन जो कि शुक्रवार का उद्यापन के लिए होगा। और देखिए यहाँ पे मैं भी रेड पहनी हूँ, आशु भी रेड पहनी है, मोनी मल्टी कलर में रेड ही पहनी है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया रेड सिर्फ पड़ी और बुलबुल वो दोनों एक्सचेंज कर लिए। पड़ी तो जानबूझ के उसके पास रेड था बट वो नहीं पहनी, वो तो बहुत बदमाश हो गई है क्योंकि उसको थोड़ा सा फिट हो रहा था इसी वजह से वो नहीं पहनी है। और देखिए पंडित जी आ गए हैं, वहाँ पे सब सामान को वो अपना कर रहे हैं, उसके बाद हो गई यहाँ पे पूजा। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शेयर जितने ज़्यादा हो उसके प्लीज़ उतने कीजिएगा। और आप में से जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोग हमारे वीडियो को फुल इंजॉय के साथ फुल वॉच कीजिए। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है उद्यापन का पूजा विधि जो कि संतोषी माता व्रत का उद्यापन है। आज उसी की पूजा विधि की तैयारी स्टार्ट हो गई है जो कि मोनी और भाभी करती थी ना शुक्रवारी उसी का। तो यहाँ पे पंडित जी भी आ गए और भाभी को जो जो बोल रहे हैं ना तो वो कर रहे हैं। तो अभी भाभी को बोले हैं नारियल में सिंदूर लगाने के लिए, तो अभी भाभी नारियल में सिंदूर लगा रही है, उसके बाद पान में लगा रही है, सारा चीज़ बता रहे पंडित जी। और भाभी कर रही है क्योंकि सिंदूर मोनी लगा नहीं सकती क्योंकि कुमारी लड़की सिंदूर नहीं लगाती है तो इसीलिए भाभी सिंदूर लगा रही है। उसको हटाइए साइड कीजिए। तो यहाँ पे उधर संतोषी माता के पास भी भाभी सिंदूर चढ़ाने जाएगी अभी, तो यहाँ देखिए सिंदूर लगाएगी वो। उधर जाने में प्रॉब्लम हो रहा था ना तो इसलिए सारा सामान हटा दिया उधर से। तो यहाँ पे सबसे पहले चौकी में सिंदूर लगाई जो माता जिस पे बैठी है, उसके बाद उनके चरणों में। और इधर भाभी अपना कर रही है, उधर पंडित जी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये रहा सालू का कपड़ा जो कि अभी यहाँ पे संतोषी माता के बगल में बिछाया जाएगा और इस पे जो भी दान का चीज होगा ना तो वो यहाँ पे रखेगी भाभी। तो दान के लिए क्या है तो आपको फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा तो आपको दिख ही जाएगा कि दान में क्या क्या दे रही है, क्योंकि किसी भी व्रत में दान किया जाता है तो यहाँ पे भी संतोषी माता का व्रत का उद्यापन हो रहा है तो इस पे भी दान होगा। तो ये लेके आई भाभी दान का सामान और संतोषी माता पे चढ़ाने का भी है तो वो भी आपको दिखेगा। तो अभी भाभी गई है संतोषी माता का मतलब चढ़ाने वाला सामान लाने के लिए, सिंघार का जितना चीज होता है तो वो चढ़ाएगी। और भाभी गई है और पड़ी यहाँ पे आके बैठ गई है तो पंडित जी मोनी से केला मांगे तो वो केला दे रही है। परी को ये सब में बहुत मज़ा आता है, वो जाके आगे बैठ गई है। मैंने उसे कितनी बार कहा बेटा इधर आ जा बेटा इधर आ जा पर वो सुनती नहीं है क्योंकि उसको भी ये सब में बहुत मज़ा आता है, वो जाके वहीं पे बैठी है। और उसकी शैतानी तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। तो ये मोनी कहीं गई थी, वो अभी कुछ सामान लाने के लिए गई थी तो अभी वो लेके आई और यहाँ पे फिर से बैठ गई है। तो ये रहा संतोषी माता का सिंघार का सामान जो भी उस पर चढ़ाएगा। वो भी ना कि लाल साड़ी के सकला लग रही थी मुझे कर दे।
यहाँ पे भाभी लेके आई है साड़ी जो कि रेड है, जो कि माता का प्रिय कलर है, उसे बहुत पसंद आता है रेड कलर का। तो यहाँ पे देखिए रेड वस्त्र यानी कि साड़ी लेके आई है चढ़ाने के लिए संतोषी माता पे। तो मैं आप लोगों को ना व्रत कथा भी मतलब शेयर करूंगी आप लोगों के बीच, पूरा व्रत कथा जो कि मतलब पंडित जी ने खुद अपने से सुनाया है इस कहानी को, जो भी व्रत कथा में कहानी है वो सुनाया गया है, तो वो भी मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मतलब पूजा की जो विधि होती है ना वो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग कभी भी शुक्रवार का उद्यापन करो ना तो आप लोगों के लिए जानना आसान हो जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ लगते हैं, क्योंकि सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा और करना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे पंडित जी ना अपना काम कर रहे हैं, जो भी मतलब उनको जो भी तैयारी करनी है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जो भी आज व्रत कथा करेंगे ना तो पंडित जी ही करेंगे, वही सुनाएंगे व्रत कथा संतोषी माता का। क्योंकि जब घर में शुक्रवार का व्रत कथा करती थी ना मोनी और भाभी, तो वो दोनों ही खुद कर लेती थी, तो आज उद्यापन है जो कि विधि पूर्वक करना है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सब चीज़ हो रहा है, जो भी हो चुके उसमें क्षमा करें संतोषी माता सभी को। तो यहाँ पे देखिए पूरे तो यहाँ पे सब कुछ है, आप लोग एकदम मतलब जो दिख रहा होगा और जो नहीं दिख रहा होगा वो भी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा सामान है ना तो आप लोगों के लिए भी सभी कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हवन के लिए जो है ना सूखी नारियल है, और यहाँ पे पान कसेली लड्डू बताशा केला खीरा, क्योंकि इसमें खट्टे फल नहीं होते हैं तो इसलिए यहाँ पे कोई भी खट्टाई फल नहीं है, नींबू नहीं है, अनार नहीं है, ये सब सारे खट्टे ही फल होते हैं, तो कोई भी यहाँ पे खट्टे फल नहीं है, क्योंकि शुक्रवार का व्रत कथा में जो होता है ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है खटाई का, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब खटाई से ही वारण किया जाता है, तो यहाँ पे खटाई दूर दूर तक शुक्रवार के दिन हम लोगों के यहाँ नहीं होता था, ना ही हम लोग के यहाँ बनता था कुछ भी खटाई दिया हुआ, और ना ही हम लोग खाते थे और ना ही कभी बाहर में भी खाते थे, कहीं जाते भी थे ना तो हम लोग शुक्रवार के दिन कुछ भी खटाई नहीं खाते थे, क्योंकि इस शुक्रवार का जो होता है ना संतोषी माता को खटाई से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है वो खटाई खाने से, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी खटाई नहीं खाया है। और इसका उद्यापन जब होता है ना तो जो भी बालक लोगों को भोजन कराता है तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, जब बालक लोग को यहाँ पे जमाया जाएगा ना तब। तो अभी तो यहाँ पे भाभी आ गई है सब कुछ लेके, माता संतोषी का जो भी चढ़ाने का सामान है तो लेके आ गई, और यहाँ पे भाभी बैठ गई। चावल तो यहाँ भाभी और मोनी भी देखिए एकदम रेड रेड पहन के बैठी है, और संतोषी माता पे भी रेड लेके चढ़ाने के लिए लेके आई है।
भाभी यहाँ उठ के कुछ काम के लिए गई है, तो देखते हैं वो क्या काम के लिए गई है। और यहाँ अभी मोनी जो भी कर रही है, तो मोनी को मतलब यहाँ पे पूजा विधि स्टार्ट है। तो इसमें है चना और गुड़, जो कि संतोषी माता का व्रत पूजा के लिए जो होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसाद होता है, क्योंकि शुक्रवारी का प्रसाद ही होता है भूंजा हुआ चना और गुड़, जो कि जो व्रत कथा करते हैं ना वो खुद भी ग्रहण करते हैं और जिनको देता है वो भी ग्रहण करते हैं। लेकिन इनका प्रसाद ना वही लोग खा सकते हैं जो खटाई नहीं खाए हो। और इनका व्रत कथा में जो बच्चे लोग को जवाया भी जाता है ना, तो वही बच्चे जम सकते हैं जो खटाई ना खाया हो उस दिन, सिर्फ एक दिन शुक्रवार के दिन, जिस दिन की इसका उद्यापन हो रहा हो। हेलो, तो यहाँ भाभी आ गई और भाभी चली गई थी पैसा लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो दान का सामान है ना, तो उसमें खोचा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे खोचा के लिए जो पैसे थे वो लाने के लिए, क्योंकि सारा सामान तो यहाँ था ही, तो यहाँ पे खोचा दे रही भाभी। अब यहाँ पे दान के लिए रखेगी। और यहाँ पे दोनों दीना वीडियो कॉलिंग पे पूजा देख रही है। तो देखिए यहाँ पे पूजा चल रहा है। और बोले ना जा, अभी नहीं बोल रहा। कौन सी बोल रहा? चेता हो रहा है। हमरा भी ना करते हैं।
तो यहाँ पे दोनों को बोल रहा है रिंग पहनने के लिए, क्योंकि पूजा के टाइम मतलब गोल्ड पहनना शुभ होता है। तो यहाँ पे दोनों को मतलब जिसके पास अवेलेबल हो, अगर नहीं हो तो यहाँ पे जो पंडित जी के पास होता है ना एक अंगूठा अंगूठी बना हुआ, तो वो पहनाते हैं। तो अगर गोल्ड रिंग है तो आप वो पहन सकते हो। और भाभी को यहाँ से पंडित जी बोले, हम लोग भी बोले थे पहले, तो भाभी को लगा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी पंडित जी ने कहा कि उनको पूरा मतलब 16 सिंघार करके आना चाहिए। तो 16 सिंघार का मतलब तो आप लोग समझते हो ना कि 16 सिंघार मतलब होता है कि पूरा पूरा एकदम दुल्हन की तरह रेडी हो गया ना। तो भाभी तो रेडी हुई थी, बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, 16 सिंघार मतलब सारे सिंघार की थी, बट जो दुल्हन का 16 सिंघार होता है ना वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो अभी उसे पूरा करने के लिए वो फिर से अंदर गई है, तो जब वो बाहर आएगी ना बिल्कुल दुल्हन की तरह, तो फिर देखिएगा उनकी जो 16 सिंघार में जो कमी थी ना वो पहले वाला, तो आप लोग देखें ये लुक भाभी का, और अभी जो फिर से रूम से आएगी ना तो वो लुक देखिएगा, उसमें वो पूरा कम्प्लीटली 16 सिंघार में भी बाहर आने वाली है। क्योंकि पंडित जी ने उन्हें खुद कहा कि अभी फिर से आप जल्दी से 16 सिंघार करके आइए। तो यहाँ पे देखिए अब आ गई है फिर से दुल्हन बन के 16 सिंगार में, अब हो गया कम्प्लीटली 16 सिंगार। तो देखिए यहाँ पे नथ टीका और चुन्नी के बिना अधूरा था भाभी का 16 सिंगार, अब हो गया कम्प्लीट। तो इसीलिए पंडित जी ने कहा कि आप 16 सिंगार करके आइए, क्योंकि आपका 16 सिंगार अधूरा है। तो अब स्टार्ट हो गए हैं पूजा विधि, तो अब यहाँ पे मुझे रहना पड़ेगा चुप क्योंकि पूजा स्टार्ट है। हरि ओम पवित्रः पवित्रो वाचरवावष्टां गतो विवायः चम्रतुण्डरीकाक्षः सुवाहिजा ग्रन्थः शुचियो पुण्डरीकाक्षः पुनातु गङ्गाभिश्चरभिश्नः हरि हरि ओम पृथ्वी त्रिया धृता लोकं।